काफी चीजें सुनती थी जिनको मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा वहम किया जाता है, बिकॉज हम बचपन से दुबई में रहे हैं, तो छुट्टियों में जाना होता था, दो दो महीने रहती थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरा झुकाव ज्योतिष की तरफ होता रहा, तो और भी ध्यान से सुनने लगी कि मेरे परदादा क्या कह रहे हैं मंजी पे बैठ के, किसको क्या हिदायत दी जा रही है, किसको क्या कहा जा रहा है, क्यों थर्सडे को नहीं ट्रैवल करना, क्यों मुझे ये नहीं करना, क्यों मेरे पिता को ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है उनके दादा के द्वारा। तो ये सब चीजों को पहले मैं सुन सुन के बड़ी हुई, और जब 12th 10th स्टैंडर्ड पास हुई तो फिर हम लंबी छुट्टियों के लिए इंडिया आए, और उस वक्त जो है जब मैं पंजाब गई अपने परिवार से मिलने या अपने दादा दादी के साथ, तो वहां पे मुझे पंडित जी की उर्दू की टेक्स्ट मिली, तो जो मेरे परदादा ने उनके थ्रू लिखी थी, कि वो बैठते होंगे उनके साथ जो भी है वो सुनते होंगे, तो वो किताबें मेरे पास आज भी हैं उनकी लिखी हुई। फिर मैंने और उनके आसपास में जो गांव जिसको हम पिंड कहते हैं कि भाई वहां पे पता किया, तो मेरे दूर के चाचा वगैरह के पास भी मुझे बहुत सारी चीजें मिली, आज भी वो धरोहर मेरे पास है। फिर मैंने अपने मेरे दादा को उर्दू बहुत अच्छी आती थी, क्योंकि हम हैं पीछे से लाहौर से और उर्दू में ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, तो मैंने अपने दादा से उर्दू सीखी जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं यहाँ अरेबिक ऑलरेडी पढ़ रही थी स्कूल में, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया उन चीजों को ग्रास्प करना, क्योंकि पंडित जी की काफी किताबें जिसको हम फरमान कहते हैं, फरमान जो लिखे गए हैं वो बहुत ज्यादा एकदम ना पंजाबी में है ना उसमें मिक्स है, पंजाबी और उर्दू का बहुत ज्यादा ज्यादा वर्ड्स का मिक्स मिक्सर है, तो वो जो है वो लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे ही आप पढ़ना शुरू करोगे और आपको उर्दू और पंजाबी अच्छे से आती है, तो आप इमिजिएटली पहचान जाओगे कि पंडित जी ने किसके मुतालिक ये बात कही है, और जिसके मुतालिक वो बात कही है वो ग्रह ऐसा होगा, वो ग्रह यहाँ बैठा होगा, वो ग्रह इस कुंडली में ऐसा असर देगा। अब आपकी कितनी खिड़कियां होंगी घर में, आपको घर कैसा मिलेगा, आपके घर के सामने क्या निशानी रहेगी उस ग्रह की, तो ये सारी चीजें लाल किताब वास्तु में आती हैं। और आजकल जितना हम वास्तु को जितना वास्तु हम पे इफेक्ट करता है, उतना तो शायद हमारी कुंडली भी इफेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जिस जनरेशन में हम सब आए हैं या हमसे जो पहले के भी लोग थे, उस जनरेशन में एग्जैक्ट बर्थ ऑफ टाइम नोट नहीं किया जाता था। वो ये होता था बच्चा पैदा हो गया, डॉक्टर बाहर ले आया बच्चे को, तो पूछा अच्छा कितने बजे पैदा हुआ, हाँ जी ये इतने बजे पैदा हुआ है, तो एग्जैक्ट नहीं बताया जाता था। और हमसे जो पहले जनरेशन थी उनके तो बहुत ज्यादा चीजें मिस होती थी, क्योंकि वो जो है वो तो एकदम पहेलियों पे चलते थे। तो उस केस में पंडित जी की जो एक किताब है उसमें उन्होंने बहुत सारी निशानियां ऐसी बताई हैं कि ये बच्चे की कुंडली में ये ग्रह वहां बैठा होगा, उस बच्चे का घर ऐसा होगा, सामने हॉस्पिटल होगा, सामने खाली जमीन होगी, बाजू में शमशान घाट हो सकता है, आगे नाला बह सकता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें लाल किताब की निशानियों से पता चलती है। अब ये जो निशानियां हैं ये आपकी कुंडली में ग्रह की पोजीशंस को बताती हैं। अब वो जो ग्रह की पोजीशंस हैं, मान लीजिए कि हम गुरु को देख रहे हैं, गुरु आठवें घर के गुरु हैं। अब आठवें घर के जो गुरु हैं वो शमशान के गुरु हो गए, कि पंडित जी ने कहा शमशान की भूमि के गुरु है। अब शमशान की भूमि के गुरु का ये मतलब है कि भाई तुझे क्या क्या हिदायतें लेनी है, भाई तेरा जो घर होगा अगर तेरी खाना नंबर एक में गुरु की ही राशि बैठी हो, मान लीजिए किसी का गुरु आठवें घर में बैठा हो, आठवें खाने में बैठा हो, और धनु राशि की कुंडली हो या मीन लगन की कुंडली हो, उसके साथ तो आप ये देखिए कि भाई उसका तो लग्नेश, जिसको आप वैदिक में लग्नेश कहेंगे, कि भाई वो आठवें घर में बैठ गया जाके पंडित जी के मुताबिक, और हमारे मुताबिक वो बैठ गया शमशान की भूमि में। अब शमशान की भूमि में रमाया हुआ जोगी जो रात लगा के बैठा है, आप उस वो इंसान इतना पाठ पुजारी होगा कि भाई उसका सुबह उठते ही पहले पाठ से शुरू होता होगा, कि पहले तो भगवान का नाम लेना है, बाद में मुंह में कुछ पानी डालना है। अब सारी जिंदगी उसने ये किया, उसको प्रॉब्लम कहाँ से आई? गुरु की उम्र 16 से, उसने पढ़ाई में भी स्ट्रगल किया,
क्योंकि पढ़ाई में क्यों स्ट्रगल किया, क्योंकि उस बच्चे को बचपन से सिखाया गया कि भाई सुबह उठ के आप भगवान की पूजा करें फिर मुंह में चना मत डालें। अरे लेकिन लाल किताब के मुताबिक उस बच्चे को ये नहीं करना था, क्योंकि उसका गुरु आठवें का था, शमशान की भूमि का गुरु था। उस बच्चे के गुरु को आप और स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, उस बच्चे के गुरु को आपको वहीं दफन कर देना था ताकि ये बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ पढ़ लिख जाता। लेकिन जो फैमिली में चलता आता है, अब मैं जिस घर में पैदा हुई, जिस घर में पड़ी हुई, वो ज्वाइंट फैमिली है। चाचा, ताए, मेरे दादा के भाई, उनके बच्चे, सबको हमने देखा। और हर बच्चे के लिए जब हम पैदा होते, जो मैंने बाकी छोटे भाई बहन पैदा होते देखे, तो मेरे जो परदादा थे वो सबकी कुंडलियां लेके बैठते थे और माओ को हिदायत दी जाती थी कि भाई इस बच्चे का तूने ये करना है, इस बच्चे का तूने ये करना है, इस बच्चे के साथ ये नहीं करना, इसको ये नहीं पहनाना, इसको ये नहीं करना। तो वो बचपन से ही उस बच्चे के लिए हिदायत दी जाती थी। और लकीली कि भाई फैमिली में वो कुछ चीजें करने पर आप ये देखोगे कि वो फैमिली फलती फूलती है जो राइट तरीके से अपनी कुंडलियों के मुताबिक ग्रहों को यूज करती है, बजाय इसके कि भाई अगर आपने किसी को देखा कि भाई वो गुरु की बहुत पाठ पूजा कर रहा है, आज वो अमीर है तो आप भी पाठ पूजा करने शुरू हो जाओ, चाहे आपका गुरु छठे का हो, आठ का हो, या बारहवें में बैठा हो, या गुरु जो है आपका किसी ऐसे बुद्ध की दृष्टि में बैठा हो, तो आपको कभी भी लाल किताब कहती है कि गुरु से फायदा नहीं मिलेगा। गुरु का फायदा लेना है तो हमें शिफ्टिंग की जरूरत होती है, और जो पंडित जी ने अपनी किताबों में बहुत अच्छे से बताया है कि शिफ्टिंग कैसे होनी है, कब करनी है और किस हिसाब से करनी है, आप क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हो गुरु की, कौन सी अशियाएं काम करेंगी आपके लिए, तो ये सारी चीजें आपको लाल किताब वास्तु में बताई जाएंगी। प्लस एक चीज और इस कोर्स में मैं ऐड करूंगी, वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ और मेरे यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं वो सारे जो हैं वो मिक्स नेशनैलिटीज हैं। मेरे पास जॉर्डनियंस भी हैं, अरब्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और मुस्लिम्स तो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं मेरे। तो अब उनके केस में मुझे कई बार शिफ्ट करवाना होता है प्लैनेट, तो भाई मैं मॉस्क में दान दिलवा देती हूँ, ठीक है, वहां तक तो ठीक है, कोई भी कर देगा, आप मंदिर कर दोगे, वो मॉस्क कर देंगे, हम चर्च में डोनेशन दे देंगे, वहां तक सही है। लेकिन जब हम उनके घरों में घुसते हैं कि भाई मुझे ये प्लैनेट को इस डायरेक्शन से यहाँ डायरेक्शन में शिफ्ट करवाना है, वहां पे मुझे प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वो मेरे रिलीजन के नहीं है, तो मुझे उनके रिलीजन के मुताबिक काम करना पड़ता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई यूनिवर्सल, आप किसी भी रिलीजन के हो, आप पे ये रिमेडी काम करेगी ही करेगी। तो उसके लिए जो हमने ट्रांजिट जोड़ा है लाल किताब वास्तु में, उसके मुताबिक आपको रिमेडीज को देना, और उसमें एक रिमेडी जो हम रिमेडीज जो आपको बताएंगे वो कलर चेंज थेरेपी से भी बताई जाएगी कि भाई पंडित जी ने अपनी किताबों में कुछ सिंबल्स दिए हैं हमें कि भाई ग्रह के अपने अपने कुछ सिंबल्स हैं, तो आप जो हमसे सीखेंगे वो सिंबल बनाना भी सीखेंगे, और वो जो सिंबल्स आप बनाएंगे वो सिंबल्स आप बना के अपने क्लाइंट को आगे दे सकते हैं कि भाई इसको तो अपनी इस घर की डायरेक्शन में लगा ले, और कब लगाना है, कितना लगाना है, कितने समय तक लगाना है, वो भी आप उसको लिख के दो। उससे क्या है कि उसको उस ग्रह का फल आपको जिस तरह से उसको दिलवाना होगा उस तरह से उसको मिल जाएगा। तो हम जो है इसमें घरों की अशियाएं, किस तरह के घर होंगे आपके, किस किस की कुंडली में एक से बारह जब गुरु बैठेगा तो उसके घरों में कौन से कमरे में क्या होगा, कैसा उसकी दीवारें होंगी, कैसा उसका घर होगा, क्या इसको ये सूट करेगा या नहीं करेगा, ये सब इस कोर्स में कवर किया जाएगा। प्लस उनके सिंबल्स भी दिए जाएंगे, प्लस आप कुंडली देख के ये पहचान पाओगे कि ये छोटे घर का आदमी है या बड़े घर का आदमी है, शनि के घर का है या सूर्य के घर का है। कई बार आपको ये देखने में आया होगा कि जो जॉइंट फैमिली रहती है उसमें जब तक पिता या दादा रहे तब तक वो फैमिली तरक्की पे तरक्की करती चली गई, लेकिन जैसे ही किसी बुजुर्ग की डेथ होती है घर में, या दादा की चला जाना या पिता का चला जाना या माता का चला जाना,
उसके बाद एकदम से जनरेशन की डाउनफॉल स्टार्ट हो जाती है, या आए दिन आपको कुछ ना कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं ना कि जब तक मेरे दादा थे क्या हमारी शानो शौकत थी, और मेरे दादा के जाने के बाद हम जो है नॉर्मल से हो गए। या कई लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे पिता जब तक थे तो मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, पिता की डेथ के बाद जो है मेरे को सडनली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो ये क्यों होता है? ये करते हैं आपके ग्रह, और इन ग्रहों की कुछ पोजीशंस हैं जो पंडित जी ने अपनी किताबों में हाईलाइट करी हैं कि भाई इंसान के ऊपर जब कोई मुसीबत आने वाली है तो वो जो पोजीशंस हैं वो इस कोर्स में हाईलाइट होंगी। आपको धन कहाँ से मिलेगा, आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं और कहाँ बिठाए जाए तो वहां से धन आएगा, क्योंकि गुरु है किस्मत, गुरु है आपकी किस्मत। अगर किस्मत ही मंदी है तो आपको आप आगे कैसे बढ़ोगे। बुध जो है सबसे बड़ा भूत, पंडित जी ने कहा बुध भूत, और हम बुध को जो है हमें पहचानना बहुत जरूरी है। तो इस कोर्स में आपको जो हम लेकर आ रहे हैं इसमें एक स्पेशल एडिशन मैं कर रही हूँ आप सबके लिए, जिसमें आपको वर्षफल बनाना, महीना कुंडली, दिन कुंडली, ताकि आप सामने वाले को उपाय जब दें तो उसको इतना सटीक टाइम का उपाय दीजिए कि भाई मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट भागा भागा आता है कि भाई मेरी पेमेंट फंस गई है और मुझे पेमेंट करनी है, वो मुझे जेल में डाल देगा। अब आपने उसको बैठ के सोच रहे हो कि क्या करूं क्या करूं, तो ऐसा तो कोई उपाय नहीं है कि भाई जो आप कर सकोगे और इसको राहत मिल जाए। लेकिन लाल किताब में टाइमिंग्स का उपाय है कि भाई अगर आप कोशिश करो तो हो सकता है कि आप उसको राहत पहुंचा सको। या तो उसको जहां पैसे देने हैं वो बंदा मान जाएगा, या जहां से इसको पैसे लेने हैं ये बंदा मान जाएगा कि मैं दे देता हूं। उसके लिए आपको वर्षफल लगेगा उस इंसान का। अगर उसके पास कुंडली नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसको बिठा के किस तरीके से सोचवाना है कि भाई जैसे हम होरारी में नंबर लेते हैं, पंडित जी ने एक एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है हमें लाल किताब में, जो आज तक ऑल ओवर इंडिया में किसी ने कवर नहीं किया, जिसमें वो ग्रह सुचवाते थे। मुझे अच्छे से याद है मेरे परदादा जो थे, जब मैं 10th के एग्जाम देके गई थी तो वो मंजी पे बैठे थे और तब तो बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ कुड़िए और सुना क्या क्या करके आई है। तो मैंने कहा पापा जी मैंने पेपर दिए हैं 10th के, अब रिजल्ट आएगा पता चलेगा, अब तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं मैथ्स में वैसे ही बहुत कमजोर थी। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा आंखें बंद कर और कोई भी ग्रह सोच। अब ग्रह के नाम तो बचपन से हमने सुने थे, तो अपनी दादी से भी दादा से भी। तो जो मैंने ग्रह सोचा उस वक्त बुध सोचा, तो मैंने बोला कि बुध। तो फिर उन्होंने कुछ तो मेरे सामने उन्होंने एक कुंडली बनाई, उन्होंने मुझे क्योंकि उस वक्त उन्होंने मेरे से वो नहीं पूछा, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास तो मेरी कुंडली भी है, आप मेरा टेवा क्यों नहीं खोलते। तो मुझे कहते कुड़िये तेरा टेवा खोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बुध से कुंडली बनाई और वो था ट्रांजिट उस दिन का। जिस तरीके से उन्होंने बुध को पहले लगन में बिठा दिया, उसके बाद उन्होंने पूरी लाल किताब की कुंडली खोल ली, कुछ उपाय उन्होंने मुझे बोले कि ये कर दे, और आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरा न्यूज़पेपर में नाम छपा था गल्फ न्यूज में और मैं सेकंड नंबर पे आई थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि तेरे इतने अच्छे नंबर आएंगे कि तू खुद, और मैं नलायक बचपन से ही नलायक थी, लेकिन कहाँ से वो नंबर आए मुझे नहीं पता। तो इसीलिए ये चीज मेरे साथ पर्सनली हुई है, तो मैं इसलिए उसके बाद मेरा झुकाव लाल किताब पे बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन ठीक है, लाइफ की अपने उतार चढ़ाव है, तो उसमें आपको काफी सारी चीजें हम लाल किताब वास्तु के माध्यम से बताई जाएंगी। और बेस्ट जिसके अंदर सबसे है कलर थेरेपी, कि भाई आप किसी भी रिलीजन के हो, आपके पास कोई भी, जैसे कई लोगों के पास पैसा नहीं है दान देने का, या उतने किलो दान देने का, या अपने घर में रखने का जरिया नहीं है, वो जो जगह आप बता रहे हो वहां पे जगह ही नहीं है रखने की, तो वहां पे आप कलर थेरेपी भी करवा पाओगे। प्लस जो शिफ्टिंग, जो ग्रह की जो जिसको हम शिफ्ट करना कहते हैं, तो वहां से वो शिफ्टिंग भी कैसे आप ठीक से करो और किस दिन करो और
कितनी बार करनी है, क्यों करनी है, उसका भी सब रीजन दिया जाएगा। प्लस उसमें जितने भी आपके दिशाएं हैं वो सारी भी आपको लाल किताब के मुताबिक सिखाई जाएंगी। प्लस उसमें घर में जो आपके पर्दे लगे हैं या सोफे पड़े हैं वो सब चीजें बताई जाएंगी। हर ग्रह की अपनी अपनी अशियां भी डिटेल में बताई जाएंगी। तो उससे जो है आप ये देख सकते हो कि सामने वाले की जब आपके पास कुंडली आती है तो इसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम कौन सा ग्रह कर रहा है। जब आप खुद वर्चुअल बना पाओगे, और वर्चुअल आपको किसी भी कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आप अपनी गणित से ही बना पाओगे। आपको चार्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिस चार्ट्स के से आप दिन कुंडली, महीना कुंडली, घंटा कुंडली, मिनट कुंडली और ईयर कुंडली को आप बना पाओगे। और फिर आप सामने वाले को बता पाओगे कि इस साल तेरे साथ क्या क्या चीजें घटने वाली हैं। अगर आप नहीं बचना चाहते हो या उस चीज को कम करना चाहते हो तो इस दिशा में आप ये करके रखें। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड टू टेक द क्वेश्चंस। और नीति जी प्लीज यू मे टेक द एग्जांपल्स आल्सो इफ इन बिटवीन, राइट? एंड आप अपने अपने हाथ रेस करेंगे क्वेश्चंस के लिए, विल डू द अनम्यूट। क्राशी आप बोले। पहला मिश्रा आचार्य, मैं आपको थैंक बोलूंगा, ये एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। थैंक यू। और नीति मैम जैसे हमारे मेंटर दिया है तो दोनों के लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। सेकंड थिंग मैडम, लाल किताब मकान और लाल किताब वास्तु दोनों एक ही है क्या? क्या दोबारा बोले? लाल किताब मकान, हाँ, लाल किताब वास्तु दोनों एक ही, दोनों एक ही है। इसमें मकान कुंडली का थोड़ा सब्जेक्ट आएगा लेकिन आपको वास्तु के हिसाब से डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इसमें कलर थेरेपी ऐड हो रही है, इसके अंदर ट्रांजिट ऐड हो रहा है, और प्लस इसके अंदर जो है आपको जैसे हम प्रश्न कुंडली कहते हैं ना जिससे आईपी, वो हाँ उसको कैसे देखना है वो भी आपको ऐड हो रहा है। ओके ओके ओके। तो ओनली लाल किताब मकान का 50% अपन रिकवर करेंगे। मतलब देखो बेसिक तो आपको वहां से आएगा ही आएगा, लेकिन एडवांस सब्जेक्ट्स जो है वो वहां से आपको जो आगे गोइंग फॉरवर्ड की आप एकदम से देख के बता पाओ या कैलकुलेशंस कर पाओ वो आपको जो है वास्तु के उससे आएगी। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू मैम। प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। सिद्धार्थ जी आप अपना वीडियो ऑन करें, अपना वीडियो ऑन करें। यस सर। व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। चलिए आप पूछिए सिद्धार्थ जी। हाँ सर, नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्कार। एक्चुअली ये बेसिक से किया जाएगा कि खाली वास्तु किया जाएगा? लाल किताब वास्तु जो है इसमें बेसिक नॉलेज अगर आपको वास्तु की है तो ये एडेड एडवांटेज है, अगर आपको नहीं भी है तो, और एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो भी ठीक है, अगर दोनों ही नहीं है तो लाल किताब वास्तु करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। उस केस में फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि इधर ऑफ वन एटलीस्ट हैव नॉलेज, इधर वास्तु की और या फिर लाल किताब एस्ट्रोलॉजी की कुछ नॉलेज हो तो आपके लिए इजी होगा। जीरो से बिल्कुल जीरो अगर है तो मुश्किल होगी। और सिद्धार्थ आपको तो एस्ट्रोलॉजी आती है, आपको तो एस्ट्रोलॉजी भी आती है, आपको वास्तु भी आता है, सो यू कैन डू इट। ओके सर। सर लाल किताब का बेसिक स्टार्ट होगा कि नहीं अभी? लाल किताब का बेसिक अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, इट विल टेक सम टाइम टू स्टार्ट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ललित जी आप पूछिए, अपना वीडियो ऑन करें। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, ललित जी अपना वीडियो ऑन करें। सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा बीमार हूं तो इस वजह से मैं वीडियो। ओके गो अहेड। मेरा ये था कि जैसे ट्रांजिट का आपने भी मुझे बताया कि लाल किताब से हम ट्रांजिट जो होता है एट प्रेजेंट टाइम जो ट्रांजिट का होता है क्या वो मतलब इसके अंदर आता है? जैसे वैदिक के अंदर भी हम ट्रांजिट को मानते हैं तो इसमें भी हम लाल किताब में भी जो प्रिडिक्शन करेंगे वो ट्रांजिट के अकॉर्डिंग करेंगे कि जैसे कुंडली में तो क्या है कि वैदिक में तो क्या कि एक एक फिक्स पोजिशन होती है जो हमारी डिटेल्स आती हैं कुंडली बन के, उसके बाद हर प्लेनेट एक गोचर लेता है जिसको हम ट्रांजिट बोलते हैं, हम वहां से एक प्रिडिक्शन देते हैं। और लाल किताब में भी हम वहां से प्रिडिक्शन देंगे या
उसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, तो वो कीजिए कि लाल किताब में हम ट्रांजिट को इम्पोर्टेंस दे के हम उपाय देंगे, यानी कि अगर लाल किताब के अकॉर्डिंग जुपिटर 8 में बैठा है और ट्रांजिट में वही जुपिटर ट्रांजिट में चेंज होके वो 10th या 11th 12th में आएगा, तो उसके रिजल्ट में कुछ चेंजेस आएगा या नहीं? मीन्स ट्रांजिट का इम्पोर्टेंस कितना है लाल किताब में? देखिए, जैसे सब सभी पद्धतियों में ट्रांजिट का इम्पोर्टेंस है, वैसे ही लाल किताब में भी ट्रांजिट का इम्पोर्टेंस है। बहुत कम लोग जानते हैं इसको कि जब पंडित जी किसी की भी टेवा देखते थे तो जब वो वर्षफल बनाते थे, जो वर्षफल भी उन्होंने जो हमें दे के गए हैं वो भी उन्होंने जो जो ईयर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से जो गणना करी है वो कहीं ना कहीं विमशोत्री दशा से कैलकुलेशन में जुड़ी हुई है। प्लस वो जो बैठ के थे तब पंजाब में पंचांग चलती थी और वो पंचांग खोल के साथ में देखते थे कि भाई आज जो प्लैनेट है इसका जो गुरु है वो कहाँ पे गोचर कर रहा है, तो उस हिसाब से वो इलाज बताते थे। अब तो खैर मैंने खुद ही देखा है कि इंडिया में अजीबोगरीब इलाज निकल चुके हैं रेमेडीज के तौर पे, जो कि कहीं भी जिक्र नहीं है उसका, हर कोई लाल किताब का रेमेडी कह के बेच रहा होता है, बट वैसा नहीं है। जो ओरिजिनल पंडित जी ने लिखा है और वो हमेशा जो है ट्रांजिट को देख के ही सामने वाले को बताते थे। वो क्यों बताते थे कि मान लीजिए कि गुरु जो है वो मेष राशि में गोचर कर रहा है और गुरु आठवें घर का है उसका, और उसकी मेष लगन की कुंडली है, तो आठवें घर से जो गुरु है वो निकल के उसका मेष लगन में आ गया ना। अब वहां पे मंगल बैठा हो तो अब वो ये देखेंगे कि भाई अगर मैं इसको गुरु का आठवें का उपाय करवाऊंगा तो क्या आठवें का उपाय इसको लगेगा? नहीं लगेगा। इस समय क्या पोजीशन है उस हिसाब से वो आगे बताएंगे। तो ये जो गोचर देखने वाली चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जब तक हम लाल किताब में भी नहीं लगाते तब तक हमें एकदम सटीक उपाय हम नहीं दे सकते सामने वाले को, क्योंकि जो लगन कुंडली है वो आपका पिक्चर जो खिंची है वो उस गोचर की थी जब आप पैदा हुए थे। हाँ, मतलब जैसे लाल किताब में तो क्या है कि वैदिक के अंदर तो क्या है कि हर घर का एक मालिक होता है। लगन मान लो अगर मकर लगन है तो उसका फोर्थ हाउस का मालिक मंगल होगा, क्योंकि 10th 11th 12th और 1 तो चौथे घर का मालिक वो मार्स हो गया। इसमें तो लाल किताब जो में है ना हम राशि नीति जी का सीम्स टू माइक हैंग नेटवर्क हैंग हो गया। नीति जी आपका नेटवर्क हैंग हो गया, एक बार आप दोबारा बताएं। हेलो, अभी आ रहा है सर? जी अभी आ रही है आवाज। जी, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो ये कह रहे हैं लाल किताब में हम राशियों को महत्व नहीं देते, हम खानों से हर खाने का हम काल पुरुष की कुंडली को ही ग्रहों के साथ बिठाते हैं और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं। अब मान लीजिए गुरु आठ का है तो हम ये कहेंगे कि गुरु आपका मंगल की घर में बैठा है, तो आठवीं जमीन शमशान की भूमि है जो कि मंगल उसका मालिक है और वहां पे गुरु बैठा है, तो वो कैसा रिजल्ट देगा वो उस हिसाब से चलेगा। और ट्रांजिट में अगर वो जैसे चेंज होगा वो अलग अलग अपने रिजल्ट देता रहेगा। जी ठीक है, मतलब लेकिन लाल किताब में भी वही देखा, अगर 8th हाउस का जुपिटर 12th में चला गया तो वो 12th के रिजल्ट देना शुरू करेगा। जी ठीक है मैम। गोविंद जी आपका प्रश्न पूछे। गोविंद जी जी गोविंद जी आपका अनम्यूट करें अपने आपको। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नीति जी का वीडियो ऑफ है, एक मिनट, वो म्यूट भी है। नीति जी आर यू देयर? नीति जी उनका शायद नेटवर्क का इश्यू आ रहा है बीच में। इंतर बोले आपका प्रश्न बोले इंतर। सर मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि जो कोर्स डिटेल है उसकी एक पीडीएफ हमें चाहिए, थोड़ा सा क्लियर हो कि मतलब कोर्स कितने दिनों का है, कोर्स में हमें क्या क्या बताया जाएगा, पहली बात तो ये हो गई। 5 मिनट दीजिएगा, आपको भी डिटेल शेयर कर देते हैं। हाँ जी, और दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी ट्रांजिट की बात हुई, मैम ने बताया कि मतलब अपनी बात रखी,
ट्रांजिट जैसे वैदिक में तो 135 साल की विमसूत्री, 120 साल की विमसूत्री दशा को लेकर के और ट्रांजिट उस पर लगाते हैं, और इसमें जो है 35 साल का होता है चक्र, तो मेनली हम ट्रांजिट क्या 35 साल चक्र पे लगाएंगे या 120 साल वाले चक्र पे लगाएंगे? और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है जो रेमडीज होंगी, जैसे मैम ने कहा कलर थेरेपी हम बताएंगे, कलर से मतलब ग्रहों को बैलेंस करना, तो रेमडीज चूंकि लाल किताब से संबंधित है, अब क्योंकि यहाँ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों का कनेक्शन बन रहा है, लाल किताब और वास्तु का जो कोर्स है, तो जो रेमडीज बताई जाएगी वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बताई जाएगी या लाल किताब के हवाले से बताई जाएगी या कलर थेरेपी के माध्यम से बताई जाएगी? तीसरा और चौथा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे एक कोर्स था आपका इसके पहले एस्ट्रो वास्तु, तो उसमें भी ग्रहों को शिफ्टिंग करना ही मेनली उसमें होता है जो दशाएं चलती है, लेकिन वो जो है केपी पे बेस होता है मेनली, तो ये जो है इसका जो है ग्रह की शिफ्टिंग का थोड़ा सा समझ नहीं आया हमें। जो लाल किताब वास्तु एडवांस वास्तु हमने किया था उसमें केपी और हिट थ्योरी हमने किया था, उसके अलावा और भी एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट देखे थे, उसमें अष्टक वर्ग का देखा था। जो लाल किताब का पार्ट है हमने वो कवर नहीं करते हैं उसमें, ठीक है, इसलिए लाल किताब वास्तु बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो हमने किया था वो बिल्कुल डिफरेंट था, और जो ये नीति जी करवा रही है ये बिल्कुल डिफरेंट है दोनों में। आपस में नहीं उपस्थित हो पाते हैं आप कभी मतलब कोर्स नहीं अटेंड कर पाते, तो क्या हमें रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा बाद में? दो मिनट में अगर बोल पाऊंगा तो मैं बता पाऊंगा। स्क्रीन शेयर कीजिए सर कंटेंट को। तो नीति जी आप इनके दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक तो ट्रांजिट का इन्होंने जो पूछा। जी ट्रांजिट को हम वर्षफल से लगाएंगे, वर्षफल बनाएंगे सामने वाले का, उम्र के हिसाब से भी अगर कुंडली नहीं भी है तो भी हम वर्षफल उम्र के हिसाब से बना सकते हैं उससे ग्रह पकड़ के, जिसको हम कहते हैं कि होरारी एक तरह से, और वर्षफल बनाने के बाद हम ट्रांजिट लगाएंगे। जी जी, तो मैं जो वर्षफल है 35 साल चक्र पे ही लगेंगे ना सर? 35 साल चक्र तो उसकी दशा है लाल किताब की, ठीक है, जो आपकी कुंडली से चलती है, जिसको हम दरमियानी ग्रह भी कहते हैं, लेकिन ये जो 35 साल चक्र है ये तो आपको हम ऑफ कोर्स बताएंगे ही बताएंगे कि भाई आपकी लाल किताब से क्या दशा चल रही है, और जो ये वर्षफल बनेगा उसका जो गोचर होगा, जो ट्रांजिट जैसे गोचर कर रहा है, मान लीजिए आपका गुरु पांचवे घर में बैठा है, ठीक है, अब वहां तो काल पुरुष की कुंडली लगेगी, भाई एक से पांचवे घर में गुरु बैठा सूर्य के घर में, अब वो सूर्य गोचर में कहाँ है और गुरु गोचर में कहाँ है, तो इस हिसाब से आपको कुंडली को पढ़ना भी सिखाया जाएगा। तो मैम तो ये मेनली तो ये तो ये पार्ट तो वैदिक का हो गया सर, वैदिक का नहीं हुआ ना, वर्षफल तो हम लाल किताब से बना रहे हैं जी, वर्षफल तो हम लाल किताब से बना रहे हैं, वैदिक का कहाँ से हो गया? ठीक मैम, और आगे अगला क्वेश्चन रेमडी के बारे में था, तो रेमडी के इसमें कैसे इसमें आप सजेस्ट करेंगे किससे? क्या सर? रेमडी में जैसे आपने कहा कि कलर थेरेपी के लिए आप बताएं। जी पंडित जी ने कुछ सिंबल दिए हैं ग्रह के, जो वो सिंबल मैंने घरों में पंजाब में हमारे घरों में भी लगे होते थे, तो उस हिसाब से हम उसको कलर के माध्यम से वो सिंबल ड्रॉ करना सिखाए जाएंगे। तो एक तो मतलब एक कलर थेरेपी ही हो गया एक तरह से, सिंबल कलर थेरेपी नहीं हुआ ना, सिंबल्स हुए ना उस कलर में, तो अंदर सिंबल ग्रहों के सिंबल को उस कलर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जी, जी। और डायरेक्शन उनको दे दीजिएगा, यही तो है सर, लाल किताब की घरों की डायरेक्शन अलग अलग है ना जी, थोड़ी सी चेंज है एस्ट्रो वास्तु से जी, थोड़ी सी भी चेंज है लेकिन है तो अलग ना, बिल्कुल थोड़ी सी, बल्कि बहुत चीजें चेंज है उसमें जी। और जी। मैं जो क्योंकि कोर्स जो है लाल किताब से संबंधित है, तो क्या इसमें लाल किताब की भी रेमेडी अप्लाई होगी? सर ये लाल किताब वास्तु ही है, इसमें लाल किताब की रेमेडीज ही दी जाएंगी जी। और मान ली इनकेस
जो कोर्स आपका चल रहा है उसको अटेंड ना कर पाए तो क्या रिकॉर्डेड वीडियो इसके उपलब्ध होंगे? दो मिनट के आपको शेयर कर रहे हैं वो आप जी गुरुजी ज्ञान पे आपको वो रिकॉर्डेड वीडियो उनकी हमारी ऐप पे मिलेगी। या जो आपके पुराने जो कार्यक्रम हैं जितने भी आपने क्लासेस ली हैं और किसी चीज के क्या उनके किसके से वीडियो उपलब्ध हैं उसकी भी जानकारी थोड़ी सी हमें दे देते तो अच्छा रहता है। गोविंद जी सारी वीडियो उपलब्ध होती है, पुरानी वीडियोस भी हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस होती है जी जी क्या हमारी अपनी एप्लीकेशन पे रहती है। मुझे दो मिनट दो मैं आपको कोर्स कैलकुलम अभी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे ठीक है। मीनवाइल सत्यनारायण जी आप अपना प्रश्न पूछिए और गोविंद जी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कौन सी डेट को कौन से दिन कितने बजे क्या क्या उसके कंटेंट वो सब चीजें आपको शेयर कर देते हैं। दो चार मिनट दो आप हमारे को। मीनवाइल सत्यनारायण जी आप आपका प्रश्न पूछिए। ओके थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सत्यनारायण जी। मैम एक्चुअली मैं एकदम फ्रेश हूँ और मुझे एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी मतलब कुछ ज्यादा मतलब ज्ञान नहीं है तो मैं लाल किताब की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ हूँ और मैं ये पूरा कोर्स करना चाहता हूँ लाल किताब पर, तो मतलब कैसे करना होगा इसको? सर इसके अंदर जो लाल किताब वास्तु जो आ रहा है पहले बेसिक से स्टार्ट होगा पंडित जी की, जिसको हम जो किताबें उन्होंने लिखी उसमें उन्होंने स्कैटर्ड दिया है बेसिक और बेसिक एडवांस उन्होंने मिक्स लिखा हुआ है। तो बेसिक में उनकी जैसे ग्रहों की दृष्टियां, ग्रहों की अशियां, कौन कौन सा घर किस डायरेक्शन को देता है, उस घर के क्या रिलेशन है और आप कैसे लाल किताब की क्या दृष्टि होती है। जैसे वैदिक में अभी गुरु की जो है आपको तो दृष्टि है कि भाई आप 5, 7, 9 की दृष्टि आती है गुरु की, लेकिन हम लाल किताब में ऐसी दृष्टियां नहीं देखते, लाल किताब की अपनी दृष्टियां होती हैं। तो उस वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, उसके बाद हम जो है मकान कुंडली या वास्तु के ऊपर जाएंगे जिसमें आपको फिर वर्षफल बनाना सिखाया जाएगा, दिन कुंडली, महीना कुंडली, मिनट कुंडली, ताकि आप रिमेडीज को अप्लाई कर सको। फिर आपको रिमेडीज भी बताई जाएंगी कि भाई अगर आपका गुरु जो खराब घरों में बैठा है और या उसकी बुनियाद में कोई उसका दुश्मन बैठ जाए, अगर वो गुरु की बुनियाद खराब कर रहा है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, तो ये सब भी आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। तो ये एक्चुअली जो कोर्स है ये बेसिक टू एडवांस का कोर्स है जिसमें हम 3-4 चीजें नई लेकर आ रहे हैं कि भाई आजकल इंसान जो है हर किसी के पास अपनी कुंडली नहीं है तो, और या जो लाल किताब के उपाय हैं 43 डेज वाले वो नहीं कर सकते, तो इमीडिएट इफेक्ट आप उसको थोड़ा बहुत रिलीफ आप उसको कैसे दिलवा सकते हो। तो मतलब जैसे मैंने लाल किताब का कोई पहले बेसिक कोर्स वगैरह किया नहीं है और मुझे मतलब इसके बारे में ज्यादा आइडिया भी नहीं है तो मैं ये कोर्स कर सकता हूँ मतलब जी? उसमें आपको देखो लाल किताब में आपको ग्रहों के नाम पता है, राशियां पता है और हमारी कुंडली पता है कि ये भी नहीं पता? नहीं ये तो पता है, 12 खाने होते हैं, 12 ग्रह होते हैं, वो सब पता है। हाँ मतलब आपको पहचान है अपनी कुंडली की राइट? हाँ तो अगर आपको पहचान है तो आप इस कोर्स में एडमिट हो सकते हो। जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है फिर उसके लिए तो पहले वो बेसिक वैदिक से स्टार्ट करे तो बेहतर है। तो अभी कोई मतलब आपका कोई ऐसा कोर्स भी है जिसमें मतलब बिल्कुल शुरू से और बिल्कुल एंड तक पूरी लाल किताब वगैरह? सर का है, सर सिखा, बेसिक वैदिक का कोर्स सर के पास है, सर आप सर से बात कर सकते हैं बाद में ना। राइट मैम, थैंक यू। बेसिक वैदिक का कोर्स हम करवा रहे हैं और दैट यू कैन स्पीक टू दी एकेडमी सेपरेटली। और जहां तक लाल किताब की बात रही, लाल किताब का संपूर्ण लाल किताब का कोर्स अभी आएगा शॉर्टली, दैट वी विल लेट यू नो, कुछ समय में भी आने वाला है वो भी ठीक है। और जहाँ तक बात रह गई अंडरस्टैंडिंग की, अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है वास्तु का या एस्ट्रोलॉजी का तो आप लाल किताब पकड़ सकेंगे। बिल्कुल जीरो अंडरस्टैंडिंग वाला जिनके जो लोग बिल्कुल जीरो अंडरस्टैंडिंग से हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, उनको ये सजेस्ट करेंगे कि वो लाल किताब या वास्तु की वीडियोज लेके, पुरानी वीडियोज लेके आप एक बार सीख लें ताकि आप उनसे कम्फर्टेबल हो जाए ठीक है। और राइट तो कोर्स आपका नंबर मुझे मिल सकता है सर? मैं दो मिनट दे, मैं एक बार स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ, मुझे दो मिनट दे। इन द नीति जी, इन द मीन वाइल अगर आपको और कोई एग्जांपल्स वगैरह तो यू कैन शेयर दी एग्जांपल्स। सर एक हैंड और रेज है वो मैं ले लेती हूँ क्वेश्चन। जी जी सर आपको, हाँ जी पूछिए आना मैं जी। हाँ मैम मेरा क्वेश्चन था
कि लाल किताब वैदिक से अलग है ना, मतलब वैदिक अलग है लाल किताब अलग है जी बिल्कुल। तो मैं जैसे कि ये राशियां निकालते ना, साप्ताहिक राशि वगैरह जो आती है जी, नहीं इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। हम वर्षफल देखते हैं, हम चंद्रमा कुंडली बनाते हैं लाल किताब में, और हम जो है उसकी दिन कुंडली महीना कुंडली बनाते हैं। तो जो साप्ताहिक आप बात कर रहे हो वो आप महीना कुंडली से सामने वाले को थोड़ा बता सकते हो, जिसको आप साप्ताहिक कह रहे हो मैम। तो चंद्र कुंडली तो फिर एक वैदिक का पार्ट हो गया, क्योंकि जब नहीं, नहीं अनामे जी, इसमें वैदिक का कोई भी वो नहीं है। लाल किताब में चंद्र कुंडली अलग तरीके से बनती है। ओके, मतलब जो वैदिक में जो साप्ताहिक वाला होता है तो वो भी मंथ के हिसाब से भी निकलता है और ईयरली के हिसाब से भी निकलता है। लाल किताब मतलब मेरा ये है कि वैदिक जो है एस्ट्रोलॉजी वो अलग है एंड लाल किताब अलग है, मतलब मेरा ये डाउट है, या उसी में से कुछ वर्जन इसका। देखिए पैदा तो सब चीजें वैदिक से ही हुई हैं, लेकिन जो आपकी लाल किताब है वो थोड़ी वो बहुत अलग है वैदिक से, और वो आसान भी है। मतलब लाल किताब की गणना अलग तरीके से है, वैदिक की गणना थोड़ा डिफरेंट है, दोनों के कंसेप्ट में थोड़ी विभिन्नताएं हैं, ठीक है। और वैदिक मदर साइंस है, वैदिक के बिना लाल किताब नहीं है, क्योंकि ग्रह वहीं से ही आते हैं, घर वहीं से ही आते हैं, उनकी डेफिनेशन वहीं से आती है। लेकिन कंसेप्ट के अंदर, जैसे अगर आपने केपी सुनी हो, केपी भी वैदिक बेस्ड है, लेकिन केपी को गणना करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसी तरीके से अगर आपने भृगुनंदी सुनी हो, भृगुनंदी भी लाल किताब सॉरी वैदिक से आती है, लेकिन गणना करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो हर साइंस आती ही वैदिक से ही है, क्योंकि मदर साइंस तो वही है, लेकिन गणना करने का तरीके में थोड़ी विभिन्नता आ जाती है। तो वही दैट्स द सेम थिंग हैपेंड विद द लाल किताब। ओके, मतलब वैदिक मेन है, बट बाकी से क्या कि हम अपनी अपनी प्रेडिक्शन है वो इस हर एक कांसेप्ट में वो हम लाल किताब को अप्लाई करेंगे। ओके थैंक यू, ठीक है, राइट। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दीज आर द कोर्स कंटेंट। एक बार नीति जी, कैन यू प्लीज रिपीट द कोर्स कंटेंट जी। डायरेक्शंस ऑफ लाल किताब, कि भाई दिशाओं की क्या डायरेक्शन लाल किताब में है वो। मकान कुंडली एनालिसिस, कि भाई किस तरह के पंडित जी ने हमें मकान बताए हैं, ग्रहों के अपने अपने किस तरह तरह के मकान होते हैं। आपको वर्षफल बनाना, कि भाई किसी की वर्षफल की कुंडली कैसे। नीति जी का माइक अभी म्यूट हो गया। वर्षफल बनाना लाल किताब के माध्यम से वो सीखेंगे, और उसमें लाल किताब वास्तु का क्या रोल होगा, उससे कैसे कनेक्ट करेगा, दैट वी विल लर्न। ग्रह फल के घर जो लाल किताब के पर्सपेक्टिव से हम इसको जानेंगे समझेंगे, लाल किताब की अपनी दृष्टियां हैं, अपने एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से वास्तु के पर्सपेक्टिव से हमें हेल्प करेंगी, वी विल लर्न दैट। लाल किताब में प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस वास्तु के पर्सपेक्टिव से क्या कहते हैं उसको हम समझेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशंस हर एस्ट्रोलॉजी में, हर साइंस के एस्ट्रोलॉजी में लाल प्लैनेट के अपने कॉम्बिनेशंस होते हैं, सो दी लाल किताब आल्सो, उसके अंदर कैसे बनते हैं, उसका क्या इंपैक्ट आता है, वी विल लर्न दैट। हाउसेस, स्टडिंग ऑफ हाउसेस विद लाल किताब प्रिंसिपल्स, घर बहुत इंपॉर्टेंट है लाल किताब के अंदर, क्योंकि लाल किताब प्लैनेट और घर से ही चलता है मेनली, तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि वास्तु इफेक्ट करती है वो पूरा हम समझेंगे, डिटेलिंग में समझेंगे इस बात को। लाल किताब, टाइप्स ऑफ हाउसेस इन लाल किताब, किस प्रकार के घर, यानी कि प्लैनेट देख के किस प्रकार का घर है, प्लैनेट बताएगा जैसे शनि का घर कैसा है, अगर ये वाला घर आ रहा है तो ये शनि का है, और ये घर है तो ये मंगल का, और ऐसा घर होगा तो गुरु का, तो दैट वी विल टीच इन टू दी लाल किताब वास्तु। प्लेसमेंट ऑफ रेमेडीज इन लाल किताब वास्तु, जैसे नीति जी ने पहले बोला, लाल किताब की रेमेडीज प्रमुख तौर पे इसमें यूज होंगी, अपार्ट फ्रॉम दैट कलर थेरेपी और जो वास्तु की कुछ रेमेडीज होती है वो भी इसमें बताई जाएंगी, ताकि आप उसको इजीली कनेक्ट कर सकें और रेमेडीज कर सकें। रेमेडीज फॉर हाउसेस, घरों की जो लाल हमारे 12 घर हैं उनकी रेमेडीज, एक प्लांट को दूसरे घर के अंदर शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करने की क्या रेमेडी होती है, कैसे एक प्लांट दूसरे घर में शिफ्ट किया जाता है रिजल्ट्स के लिए, उसको हम करेंगे। ट्रांजिट ऑफ लाल किताब वास्तु,
अब ट्रांजिट के लिए नीति जी ने बताया कि ट्रांजिट हम जब बनाते हैं इसके जब गोचर बनाते हैं लाल किताब का तो उससे वास्तु को कनेक्टिविटी ऑफ ठीक है। इस पूरे सब्जेक्ट को 2 महीने के सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। ये क्लासेस रहेंगी फ्राइडे सैटरडे 9 बजे शाम को। 2 महीने का कोर्स रहेगा, लाइव जूम क्लासेस होंगी, डाउट क्लियरिंग प्रैक्टिकल केस स्टडीज रहेंगी, रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियोस अवेलेबल होंगी। जो लोग लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते उनको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेंगे, स्टडी नोट्स अवेलेबल रहेंगे इसमें। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिक पेमेंट है वो इस तरीके से रहेगा, जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर 1579 दो महीने का 1513158। अगर दोनों महीने की इकट्ठी पे ऑफ करते हैं तो 15% डिस्काउंट मिलता है, विच कम्स टू टोटल फी पेमेंट 2685। जो बिल्कुल नए पार्टिसिपेंट जो फर्स्ट टाइम अकेडमी को ज्वाइन करेंगे उनकी बेसिक फीस रहेगी 2107 × 2 = 4214 दो महीने की। अगर वो इकट्ठी पे ऑफ करते हैं तो उनका 25% डिस्काउंट रहता है, दैट कम्स टू 3158। इन नंबर्स को यूज किया जा सकता है पेमेंट के लिए। और रिक्वेस्ट जाएगी कि ये साइड में जो 2 नंबर लिखे हैं साइड में नोट में, उन 2 नंबर के ऊपर ही स्क्रीनशॉट शेयर किया जाए ताकि हमारे को ईजी ट्रैकिंग रहे। कोई भी पेमेंट होती है सिर्फ इन 2 नंबर पे ही शेयर की जाए, किसी और नंबर पे शेयर नहीं की जाए। किसी और नंबर पे शेयर करने से कई बार वो ऑफर इनवैलिड हो जाती है, तो उस नंबर पे शेयर नहीं करें, सिर्फ इसी नंबर पे शेयर करें। कुछ ऑफर्स ऑनगोइंग चल रही हैं, ये कुछ ऑफर्स हैं जो इंडिपेंडेंस डे के लिए ऑफर लगाई है, ये तो आज ही हमने अनाउंस करी है। इंडिपेंडेंस डे पे देयर आर सम कोर्स बंडल, यू कैन मेक योर ओन कोर्स बंडल राइट। उसकी डिटेलिंग क्या है वो अकेडमी के नंबर पे, इन 2 नंबर पे ली जा सकती है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप कोर्सेज वर्थ ऑफ 1 to 12,642 ओरिजिनल प्राइस जो है उनकी ओरिजिनल फी जो है उस पर आप एनरोलमेंट करते हैं तो यू कैन गेट अ 40% डिस्काउंट, यू नीड टू ओनली पे 7500 रुपीज। तो दैट्स द इंडिपेंडेंट डेज ऑफर, सो यू कैन मेक यूज ऑफ इट। एंड इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप अकेडमी में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ी डिटेलिंग है इसकी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनगोइंग ऑफर्स भी है, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ फेस्टिवल मंथ ऑफ अगस्त। अगर आप कोई रेफरेंस देते हैं तो 15% आपको जो रेफरेंस जो रेफरी पे ऑफ करता है फी, उसका 15% आपको डिस्काउंट के ऊपर मिलता है, विच यू कैन मेक यूज ऑफ इट फॉर योर ओन कोर्स पेमेंट फीस। 25% न्यू एनरोलमेंट जो फर्स्ट टाइम अकेडमी में ज्वाइन करें उनको 25% डिस्काउंट के ऊपर मिलता है, जो मैंने अभी बताई दिया आपको। जो लोग 2 महीने की या मल्टीपल मंथ्स की कोर्स इकट्ठी पे ऑफ करते हैं उसका 15% डिस्काउंट के ऊपर मिलता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एनीबडी एनरोल इन ए कैलेंडर मंथ फॉर 7,000 वर्थ ऑफ कोर्सेज, 1,000 रुपीज का क्रेडिट कूपन मिलता है जिसको आप आगे किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं। 15% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट्स अकेडमी पे, और रिपीट कोर्स अकेडमी फ्री ऑफर करती है नेक्स्ट रिपीट कोर्स, विच मीन्स लाल किताब वास्तु का जो नेक्स्ट कोर्स होगा दैट इज रिपीट कोर्स फॉर द लाल किताब वास्तु, एंड दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। तो नेक्स्ट कोर्स इज ऑलवेज फ्री, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक डिटेल्स, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कंटेंट्स हैं, दीज आर द कैरिकुलम, ये पेमेंट डिटेल्स है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ये इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, इसकी आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं अकेडमी के कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करके। और ये ऑनगोइंग ऑफर फेस्टिवल मंथ की पूरे महीने की ऑफर्स चल रही है। सो दीज आर द डिटेल्स, आई थिंक नाउ दिस डिटेल्स आर बीन क्लियर टू यू ऑल। एंड नीति जी अभी भी ज्वाइन नहीं करी है, लेट मी चेक नीति जी। इन द मीन टाइम रीमा जी आप अपना प्रश्न पूछें। नीति जी 5 मिनट्स में ज्वाइन कर रही है अभी। ऑल राइट, थैंक यू रीमा जी, आपका प्रश्न पूछें। इतना सर, ये लाल किताब वास्तु का कॉम्बिनेशन है और एडवांस लाल किताब का अलग कोई कोर्स है ना? लाल किताब जो लाल किताब अपने आप में जो कम्प्लीट है वो डिफरेंट है, ये वास्तु से पर्सपेक्टिव से लाल किताब है। नहीं, क्योंकि बेसिक हमने की है तो अगर एडवांस करना है तो वो अलग है ना? वो एडवांस का भी लॉन्च हो चुका ऑलरेडी हमने, अगर आप ग्रुप में होंगे तो पोस्टर वहां पे होगा, आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, नहीं तो आपको शेयर कर देंगे आगे। दैट इज ऑलरेडी लॉन्च, लाल किताब एडवांस ऑलरेडी लॉन्च, वो सेपरेट है, वो अलग है ना? ये वास्तु जो जानता है उनके लिए बेनिफिशियल है, जिसको ये लाल किताब वास्तु है, ये वास्तु के पर्सपेक्टिव से है। क्योंकि हमारा घर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण जगह है, और जैसे मैं अपने हमेशा बोलता हूँ, हमारी अवचेतन मन से चेतन मन की यात्रा जो हमारा घर है,
क्योंकि हमारा घर के अंदर अंधेरे में रखी हुई चीजों को हम पहचान लेते हैं तो ये अवचेतन मन में रजिस्टर्ड चीजें हैं क्योंकि हमारा अवचेतन मन हर हमारे घर में हर छोटी से बड़ी चीज को रजिस्टर्ड कर लेता है कॉन्शियस में अपने सबकॉन्शियस लेवल पे तो उसका इफेक्ट वास्तु का इफेक्ट हमारे को जीवन में इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमारे उस दायरे के अंदर हमारा वास्तु फिक्स हो गया। सर ये 15 अगस्त का जो कंसेशन है उसमें क्या है थोड़ी सी समझाइए ना सर। जो एक मिनट रुके मैं रीमा जी का आंसर कर रहा था तो लाल किताब वास्तु भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लाल किताब इम्पोर्टेंट है उतना ही लाल किताब वास्तु भी आना उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट्स सिंपल दैट अगर आप एक मदर साइंस पढ़ रहे हैं जो वास्तु एस्ट्रोलॉजी है मदर साइंस है और वास्तु एक मदर साइंस की अनदर मदर साइंस है वास्तु अपने आप में भवन के निर्माण के ऊपर तो दोनों कंसेप्ट आने उतने ही जरूरी है जितने की इंसान बोले डॉक्टरी करने के बाद कि डॉक्टरी करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए उसको हॉस्टल में जाके एक्सपीरियंस ले या अपना क्लिनिक चलाए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपना क्लिनिक चलाना भी और एक्सपीरियंस लेना उनके लिए हॉस्पिटल जाना भी तो इन ए सिमिलर फैशन इट इज बोथ सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में इंपॉर्टेंट है वास्तु अपने आप में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जी राम जी जैसा थैंक यू रीमा जी। हाँ सर बोलिए। नीति जी आपका वीडियो अगर ऑन है तो कैन यू प्लीज टेक सम केस स्टडीज या आप अगर सुन पा रही हैं तो कैन यू टेक सम केस स्टडीज। सर मेरा लैब वो हैंग हो गया है सिस्टम यहाँ पे ना थंडर स्टॉर्म है इस समय तो इस वजह से वो कनेक्शन बराबर नहीं है क्योंकि मैं फोन से ज्वाइन हुई हूँ। ठीक है राइट सो यू मे टेक द सम केस स्टडी इफ यू कैन डू दैट इफ यू नॉट इज ओके नेटवर्क। सर मेरा सिस्टम बंद है तो मैं कोई भी कुंडली नहीं खोल पाऊंगी। ऑलराइट सो लेट्स टेक द क्वेरीज राइट जी। हाँ बोलिए जी। सर 15 अगस्त का जो कंसेशन है वो क्या स्कीम है थोड़ा समझाइए प्लीज। ओके इट्स वेरी सिंपल मैं दोबारा लगाता हूँ एक मिनट। अच्छा एक मिनट रुकिए मैं आपको दो मिनट दीजिए राम जी जी देसाई जी मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। इन द मीनवाइज किसी और का कोई प्रश्न है तो प्लीज टेक योर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन पहले वो क्वेश्चन ले लेते हैं किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपना क्वेश्चन आप बोल दें और मैं आपको दिखा रहा हूं। किसी का कोई प्रश्न ओके 15 अगस्त की ऑफर ये ऑफर है दिस इज द लिस्ट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल विद एकेडमी इफ यू कैन सी दैट। ठीक है ये जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज है इसमें कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज है कुछ अपकमिंग कोर्सेज है ये पूरी लिस्ट है इसमें करीब 58 कोर्सेज हैं। ठीक है इफ यू सी दैट सो दीज आर द 58 कोर्सेज ये 58 कोर्सेज के अंदर आप कोई भी अपना कोर्स बना सकते हैं कितने भी कोर्स आप ले सकते हैं तो अपने आप अपना कोर्स आप डिजाइन कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल दी है कोर्स का नाम दिया है क्लासेस दी हैं कितने महीने का कोर्स था ये दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ क्लासेस प्री रिकॉर्डेड है तो प्री रिकॉर्डेड ये लिखा हुआ है रिकॉर्डेड वीडियोज है उसकी फीस कितनी है वो लिखी हुई है पूरा डिटेल है। अपकमिंग कोर्स है तो यहाँ पे अपकमिंग कोर्स लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी एडवांस अपकमिंग कोर्स है तो उसमें अपकमिंग भी लिखा हुआ है जो करंट है तो इंट्यूटिव व्हीलिंग जैसे करंट कोर्स चल रहा है तो करंट भी लिखा हुआ है इसमें। सो दीज आर द डिटेल्स जो करंट में चल रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियोज हैं या अपकमिंग है इसमें से आप कुछ भी आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वंस यू मेक योर कॉम्बिनेशन एक बार आप अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन में सम टोटल 12,642 रुपये या उससे ऊपर वो प्रोपोर्शन बनेगा। अगर आपका सम टोटल मिनिमम सम टोटल आपका 12,642 होगा तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा जिसपे आपको 75वीं एनिवर्सरी सालगिरह पे भारत की 7500 रुपए पे ऑफ करने होंगे बस तो 40% का आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 12,642 से ऊपर का आपका टोटल बनता है तो प्रोपोर्शन वैल्यू एड हो जाएगी उसकी तो प्रोपोर्शन वैल्यू अकेडमी आपको कैलकुलेट करके एड करके बता देगी। तो ये इसमें ऑफर है कि आप अपना कोर्स डिजाइन अपने आप चूज करें 58 कोर्सेज की लिस्ट में से जो जो आप करना चाहते हो। अगर ये प्री रिकॉर्डेड होगा तो उसका जब भी रिपीट होगा उसका रिपीट आपको फ्री एंटरटेनमेंट है उसका तो आपको रिपीट फ्री मिलेगा। और ये अगर अपकमिंग कोर्स होगा तो आपका अपकमिंग कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा इस ऑफर के अंदर
और अपकमिंग कोर्स आप उसके लिए एलिजिबल हो जब ज्वाइन कर सकेंगे आप। तो अपकमिंग कोर्स का मतलब ये है द कोर्स विच आर शेड्यूल इन दी मंथ इन नेक्स्ट वन मंथ, मतलब अभी तो आधा महीना हो गया अगस्त का, अगस्त के आधे महीने से लेकर सितंबर के आगे आधे महीने तक, मतलब अगले एक महीने के अंदर जो जो कोर्स शेड्यूल है वो लिस्ट उसके अंदर दी गई है। तो उसके अंदर आपको जब भी वो स्टार्ट होगा वो आपका एनरोलमेंट उसमें आ जाएगी। यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ प्री रिकॉर्डेड एंड अपकमिंग, यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ करंट प्री रिकॉर्डेड एंड अपकमिंग। तो आप किसी भी तरीके से अपना कॉम्बिनेशन कोर्स बंडल बना सकते हैं, ये ऑफर है। राइट सर, एक रिक्वेस्ट है सर जी, सर इस कोर्स की डिटेल आप ग्रुप में दे देंगे सर हमें, क्या क्या कोर्सेज है? इस कोर्स की डिटेल हम आपको ग्रुप में दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। मैं एक लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग जिन लोगों ने वो लिंक अभी तक ज्वाइन नहीं किया या हमारे किसी भी ग्रुप में नहीं है तो प्लीज ज्वाइन द ग्रुप, मैं भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पे लिंक। मीनवाइल किसी का और क्वेश्चन, कोई भी लाल किताब से रिलेटेड या लाल किताब वास्तु से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अभी वीडियो अभी मतलब नीति जी का लैपटॉप नहीं चल रहा तो वी कांट, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू द लाइव सेशन, अदरवाइज वी हैव डन द लाइव सेशन आल्सो। जी यस सर जी बोलिए बोलिए जी। हाँ सर, ये 15 अगस्त वाली बात क्या थी बताइए। अरे अभी तो बताई पूरी कहानी। अरे सर मेरा माइक बंद हो गया था, मैंने एक लिंक शेयर किया है ग्रुप में, those who are not part of the academy please join the link, those who are not part of the academy please join the link, those who are already part of academy may not need to join the link again। आप 15 अगस्त वाली कहानी ये थी, मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से। सर लिंक एक बार स्क्रीन पे लगाइए सर, लिंक लिंक मैंने चैट में दिया है, लिंक चैट में दिया है। ये कोर्सेज की लिस्ट है राम जामजी देसाई जी, आपका एक बार माइक ऑफ करेंगे। ये कोर्सेज का लिस्ट है, कितने महीने का है, कितनी क्लास है इसमें, कितना कोर्स फी है उसकी, रिकॉर्डेड सेशन है या अपकमिंग कोर्स है, ठीक है। इसमें कई सारे कोर्स अब चल भी रहे हैं, जैसे टैरो का कोर्स इसमें चल रहा है अभी, यहाँ पर रिकॉर्डेड होगा लेकिन टैरो का चल भी रहा है अभी, तो बहुत सारे कोर्सेज इसके अंदर है राइट। तो ये कोर्सेज आप ले सकते हैं, इनमें से कोई भी कोर्स आप चूज कर सकते हैं। और एक मिनट होल्ड करेंगे, ये कोर्स में से कोई भी कोर्स आप चूज कर सकते हैं, और इसका कोर्स चूज करने के बाद आप इस ऑफर के अंतर्गत, ये ऑफर जो मैंने यहां लगाई है, अगर आप सारे कोर्सेज का सम टोटल वैल्यू आपका 12,642 या उससे ज्यादा बनता है, वो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट होगा, ज्यादा बनेगा तो मिनिमम 12,642 होएगा, तो 40% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके लिए आपको 7500 रुपए पे ऑफ करने पड़ेंगे इन कोर्सेज की लिए। ये अपकमिंग भी हो सकते हैं, ये वीडियो भी, रिकॉर्डेड वीडियोज भी हो सकते हैं, करंट भी हो सकते हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन में आप बना सकते हैं। और रिकॉर्डेड वीडियोज हो गए तो इसका जब रिपीट होगा तो वो आपके लिए फ्री एंटरटेनमेंट होगा, तो वो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे रिपीट के लिए आप, ठीक है। ये स्कीम इस हफ्ते है, यानी कि 14 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक की है, कमिंग वीक के लिए आज से शुरू है और एक हफ्ते के लिए ये स्कीम है। सर ये 12,000 से कम का अगर हम सिलेक्ट करते हैं कोर्सेज तो देन कितना मिलेगा, मेरा एक ही प्रश्न है। देन दिस कोर्स दिस स्ट्रक्चर विल गो, जिसमें 15% दो महीने की फी ऑफ फी पे करने में 15% डिस्काउंट था, जिसमें 7,000 रुपए का कैलेंडर बंद में एनरोलमेंट करने पे 1,000 रुपए का क्रेडिट कूपन था, 15% का रेफरेंस डिस्काउंट था जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम थी, फिर वो एप्लीकेबल बनती है। अगर वो मिला के 7,500 हो जाता था फिर मैं 24 को सी पसंद करूं, फिर इसका मतलब ये हुआ ना, समझ में नहीं आई बात। अगर मैं आप समझता हूं 10 कोर्स पसंद, आप 15 कोर्स पसंद करता हूं, आप एक काम कर सकते हैं, जब आप डिजाइनिंग करें आप एकेडमी में संपर्क कर लें, एकेडमी में टीम आपको हेल्प कर देगी डिजाइनिंग करने में। अच्छा ठीक है, दे विल हेल्प यू आउट, ठीक है, पूनम विल हेल्प, जो टीम है एकेडमी में वो दे विल हेल्प यू आउट। ओके ओके ठीक है राइट, थैंक यू जी। एनी अदर क्वेश्चंस दैट एनीवन हैव? यस सर जी। सर एक चीज बताइए, जैसे आपके टीचर्स हैं, जैसे अब उन्होंने पहले टैरो कराया था शिल्पी मैम ने जी, उसके बाद जब आपका कोर्स दोबारा स्टार्ट हुआ तो फिर दूसरी टीचर करा रहे थे? नहीं, टैरो मैडम शिल्पी मैडम ही करवाती हैं,
टैरो कोई और नहीं करवाता, जो कोर्स जिस फैकल्टी का वो फैकल्टी ही उस कोर्स को करवाती है, दूसरा कोई फैकल्टी उस कोर्स का नहीं करवाता। जैसे सर मैंने एडवांस टैरो किया था तो अब आप कह रहे हो रिपीट चल रहा है उसका? नहीं नहीं आप समझे नहीं, एडवांस टैरो का आपने एडवांस टैरो पहले किया है तो yes, रिपीट अभी एडवांस टैरो चालू हो रहा है राइट okay. शिल्पी जी ही करवाएंगी, आप उसको एडवांस को रिपीट के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो आप कर सकते हैं उसको ज्वाइन। ओके सर, मतलब सर कोई सेम फैकल्टी कराती है सर? यस, फैकल्टी जिस सब्जेक्ट को करवा रहे हैं वो फैकल्टी उस सब्जेक्ट को वही करवाएंगे, दूसरा कोई और फैकल्टी उस सब्जेक्ट को नहीं करवाएगा। सर आई थिंक आपका टैरो का शिल्पी मैम के बाद किसी और मैम का भी स्टार्ट हुआ था? जी नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, या तो कोई और किसी प्लेटफॉर्म पे आपने कहीं पे देखा हो तो आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, जो फैकल्टी जिस सब्जेक्ट को करवा रहे हैं वो वही करवाते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। देयर इज नो क्लैश ऑफ फैकल्टी की सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, अभी आप किसी का प्रश्न है तो आप नीति जी से आप कुछ पूछना चाहें सब्जेक्ट से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, लालकिता वास्तु से रिलेटेड, यू कैन आस्क। सर सर मैं एक चीज पूछना चाहता था, क्या बोले सर, जो आपकी ऐप है उस किस नाम से आपकी ऐप प्ले स्टोर? गुरुजी ज्ञान। गुरुजी ज्ञान जो, तो उस पे मतलब पुरानी वीडियोस हैं उसके ऊपर जो मैं देख सकता हूँ? जो पुरानी वीडियोस आप कुछ वेबिनार की वीडियोस है जो अवेलेबल है, जो पब्लिक वीडियोस हैं वो, और जो कोर्स वीडियोस है वो पेड वीडियोस है, वो वाली आप ओपनली नहीं देख पाएंगे, उसको एक्सेस हमें देना पड़ेगा आपको, जब आप उस सब्जेक्ट पे एनरोल करेंगे तो एक्सेस आपको मिल जाएगा। राइट सर, ठीक है जी, एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन किसी का सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, या सब्जेक्ट सबको बिल्कुल क्लियर है? सो नाइस कि सब्जेक्ट सबको क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है सब्जेक्ट पे, ग्रेट। डाउट सब क्वेश्चन में क्लियर हो गए, क्वेश्चन आंसर्स में क्लियर हो गए, क्या बात है अतुल जी, बहुत बढ़िया। नीति मैम को भी बहुत टाइम के बाद देखने को मिला है, नीति मैडम बहुत टाइम के बाद देखने मिले, नीति मैडम जी अतुल जी को भी मैंने बहुत टाइम के बाद देखा है। मैंने मैंने आप पे पहले किया था, फिर बाद में शिफ्ट हो गया सर से वो बेसिक करने के लिए। जी 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 बिल्कुल याद है मुझे, हां अभी इसमें आप में ज्वाइन हो जाऊंगा आपसे जी। आपने नितिन मैडम के त्रिभागी दशा भास्करण थ्योरी ज्वाइन नहीं किया होगा, इसलिए आपने लंबे समय बाद नितिन मैडम को देखा है। हाँ, वो ज्वाइन नहीं किया होगा आपने उसमें, तभी हमारा वो चल रहा था ना बेसिक का, एस्ट्रोलॉजी बेसिक चल रहा था ना, तो सब साथ में, फिर बाद में सर सजीव फिर बाद में खिचड़ी हो जाती है जी, फॉलो योर कंफर्ट लेवल, कंसंट्रेशन नहीं होता, इट इज ऑल अबाउट फॉलो योर कंफर्ट लेवल। सही सही बात जी, राइट। एनीथिंग एनी वुड लाइक एनीबॉडी लाइक टू शेयर इट, कुछ भी कुछ शेयर करना चाहता है, यू आर वेलकम, आप शेयर कर सकते हैं राइट। किसी के पास कोई भी फीडबैक है, कुछ भी और बात है कोर्स से रिलेटेड, एकेडमी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। अदरवाइज नीति जी का बिकॉज ऑफ द लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू टेक द लाइव कुंडली, अदरवाइज वी विल टेक द लाइव कुंडली अदरवाइज। नीति जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, मैं सबको यही बस कहना चाहूंगी कि इसमें इस कोर्स में आपको कंप्लीट लाल किताब की नॉलेज तो एटलीस्ट ऑन द होल हो जाएगी, प्लस रिमेडीज आपको मिल जाएंगी, ताकि आप अचानक से किसी की भी मदद आप कर सको, या घर में अगर कोई चीज आपने हिलानी है या अपने मुताबिक उसको प्लेस करना है तो आप अपनी कुंडली के मुताबिक कर सकते हो, और शिफ्टिंग जो करनी है वो आप महीना कुंडली को आप बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। सोनाक्षी जी ने लिखा है कि लिस्ट को आप हमें शेयर कर दें, सोनाक्षी जी बिल्कुल लिस्ट शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में आपको, कल मॉर्निंग में सारे ग्रुप में आपको लिस्ट दे दी जाएगी, तो आप वहां से चूज कर सकते हैं सोनाक्षी जी। और एनीवन वुड लाइक टू हैव, सबके वीडियोस ऑफ है, 100% वीडियोस ऑफ है? नहीं नहीं सर, ऑन है सर वीडियो, एक राजकरण जी का ऑनर, अतुल जी का ऑनर बस। मैं फर्स्ट टाइम कनेक्टेड हुआ हूं, तो आपका इन्फॉर्मेशन मेरे को कैसे मिलेगा? राजकरण जी आप जो है ना, मैंने चैट में एक लिंक दिया है, चैट में इस लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास सारी डिटेल यहाँ इस लिंक पे शेयर हो जाएंगे। ओके ओके सर, ठीक
आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इस व्हाट्सएप ग्रुप को, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी। ओके ओके सर, ठीक है, ओके राइट। एनीबडी कैन लाइक टू शेयर एनीथिंग? अर्चना जी, जिन्होंने लाल किताब पहले करी, आई कैन सी अर्चना जी इज देयर, सुनीता जी इज देयर, और सारे वीडियोस ऑफ है, एक तो किसी की शक्ल नहीं नजर नहीं आ रही। सर मैं एकदम नया बंदा हूं तो उससे सीखने को मेरे को तकलीफ होगी क्या? आपको नए बंदे से फर्क नहीं पड़ता, क्या आपको कुछ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वास्तु का या एस्ट्रोलॉजी का है? बिल्कुल, या बिल्कुल थोड़ा बहुत नॉलेज है सर, तो आप कर लोगे। अगर आपको वास्तु की अंडरस्टैंडिंग है तब भी आप कर लोगे, वास्तु का भी है थोड़ा, एस्ट्रोलॉजी का भी, बस फिर आप कर लोगे, फिर निश्चिंत रहो, फिर आप कर लोगे, निश्चिंत रहे फिर आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी प्रकार की भी। कोर्स देख के बोलता हूँ सर, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी जी। ऑलराइट, सो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, किसी का कोई और फीडबैक या किसी का और कोई क्वेरी नहीं है, तो देन वी कैन टेक अ कॉल टू क्लोज द सेशन फॉर टुडे। अतुल जी, ये रामाकेशन जी भी चले गए, गायब हो गए, अभी उनका तो वीडियो खुला था, वो भी ड्रॉप हो गए, लेफ्ट कर लिया होगा सर। हाँ लेफ्ट किया उन्होंने। चलिए तो आज का सेशन को यहाँ पे समाप्त करेंगे, आप सबसे ज्यादा चाहेंगे धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है अभी, नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगा, तो जो लोग इच्छुक है प्लीज गेट योर एनरोलमेंट डन वेरी फास्ट, ताकि फ्राइडे आने से पहले आप लोग सब लोग इस कोर्स को रेडी रहें, ताकि स्टार्ट कर सके हम। एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम, इट्स अ वेरी वंडरफुल कोर्स, वेरी वंडरफुल जर्नी। लाल किताब वास्तु मजेदार चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब एक अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है जिसको करने के बाद कुंडली देख के किसी को बताने बड़ा इंटरेस्ट आएगा, यू लव टू डू दैट, बिलीव मी, करके देखिए बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है? ओके सर, थैंक यू आप सब लोगों का, धन्यवाद, नमस्कार सब लोगों को, नमस्ते, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।